अगर आप पानी में गिरते आपको खतरा महसूस होता है तो 12 असामान्य तरीकों से अपनी जान बचा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी गहरे तालाब में या नदी में गिर जाते हैं तो सबसे पहले आप मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाएं। चिल्लाने, कपड़े लहराने, पानी में उछालने से जैसे सामान्य तरीकों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करें। नंबर 3, अगर आपको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है तो आप किसी भी तरह पानी में अपने हाथ पैर चलाते रहें। नंबर 4, हाथ पैर चलाने से भी पानी में डूबे चले जा रहे हो तो कम से कम बाहर निकलने की पूरी जोर से कोशिश करें। नंबर 5, अगर जूते या बैग जैसी कोई चीज़ आपका वजन बढ़ा रही है तो उसे आपके शरीर से हटा दें। नंबर 6, जितना हो सके अपने सिर को पानी से बाहर रखें और सामान्य तरीकों से सांस लेने की कोशिश करें। नंबर 7, पानी में डूबने के डर से घबराए नहीं, क्योंकि घबराहट में मांसपेशियां अधिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगती हैं। नंबर 8, फेफड़े हवा से भरे होते हैं तो शरीर बेहतर तरीके से तैरता है, लेकिन अधिक तेज़ी से सांस लेने की कोशिश ना करें। नंबर 9, इस दौरान आपका ऑक्सीजन युक्त रहना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हाइपरलेविटिंग से बचने की कोशिश करें। नंबर 10, किसी भी तरह से नदी के किनारे पर आने की कोशिश करें, क्योंकि किनारे पर पानी की गहराई कम होती है। नंबर 11, नदी में अगर कोई प्लास्टिक या फिर लकड़ी तैर रही हो तो उसे पकड़ने की कोशिश करें, इसे डूबने से बच सकते हैं। नंबर 12, अपने पैरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पैरों को चलते रहने से आपका शरीर सिर पानी से बाहर होगा। नंबर 13, अगर पानी में हाथ पैर मारकर थक गए हो तो पीठ के बल लेटने का प्रयास करें और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं। दोस्तों, इस सामान्य उपायों को अपनाकर आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।